गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू कम बैक माय न्यू व्लॉग। सो गाइस फाइनली हो चुके हैं सुबह, तो चलिए हम लोग आज का व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। बाकी के दिनों के जैसा आज भी दिन है, सूरज निकल चुका है, बाकी ठंडी गांव में बनी हुई है बरकरार है वैसे ही। ये दोनों एकदम सुबह सुबह अपने नाश्ते का वेट कर रहे हैं। और कल बड़े पापा लाए थे ये छरी, जो कि गुल मेहंदी का पेड़ है। इसको कुछ इस तरह से बाड़ी वगैरह बनाने में यूज़ किया जाएगा, ताकि पशु आके यहाँ पर जो बिरवाही लगाई जाती है, टमाटर वाटा आलू वगैरह, उनको नुकसान ना पहुँचाए। तो यहाँ पर मैंने बाबा जी के लिए पानी निकाल दिया है, बाबा जी ब्रश करेंगे, बिकॉज हमारा ब्रेकफास्ट के साथ साथ चाय भी तैयार हो रहा है। ये सुबह सुबह सब एकदम चुकड़ियाए हुए हैं ठंडी की वजह से। पहले पैसा दे। अरे पैसा 5 रुपया। हाँ 5 रुपया नहीं, पहले दे जल्दी से, तब दाग चाय नहीं दे। तो हमारी चाय पूरा एकदम रेडी हो चुकी है। एंड गाइस टेस्ट इज वेरी ऑसम। तो गाइस यहाँ पर आ चुका है फेरी वाला, तो चलेंगे थोड़ा सा मूंगफली वगैरह खरीदेंगे हम लोग भी। सलोनी है नाश्ता में। सलोनी दे दे। तो गाइस यहाँ पर मिल चुका है हमारा सलोनी, और 10 रुपए का ये भी लिया। सलोनी खाएगा बाबू। गाइस ये लोग हरी सब्जियाँ घर में उगाते हैं, इसके बाद चौराहे में ले जाते हैं बेचने के लिए। तो हम लोग भी पूछ लेते हैं मम्मी से कुछ हरी सब्जी लेना है या नहीं। ना माँ सब्जी ना लेवे कुछ। हाँ वजन लागत है। हाँ सो सुकून से। तो यहाँ पर किसी चिड़िया ने हमारे साथ बहुत ही बेकार वाला काम कर दिया। यहाँ पर देख सकते हो पूरे साइकिल में पट्टी कर दी, तो ये पूरी साइकिल को वॉश करना पड़ेगा। हो जा। तो इन महाशय जी को ना शाम सुबह हमको लेना ही पड़ता है, एकदम लेना कंपलसरी हो गया है, नहीं तो इनके बिना सुबह का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर भूल जाना पड़ेगा। ऋतिक अभी बब्बा के पास बैठा है, खेल रहा है, जब तक खेल रहा तो खेल रहा, बाकी रोना शुरू कर देगा। तो टाइम लगभग अभी 11 बज चुका है, तो बब्बा जी को पानी ले जाके दे देंगे, ताकि बब्बा जी भी नहा लें। और इस वक्त ना धूप भी काफ़ी अच्छा रहता है नहाने के लायक। हमारे घर में पूरा ब्रेकफास्ट का काम रेडी हो चुका है, और ये हमारा मोटा कालू ब्रेकफास्ट कर रहा है अकेले अकेले कोने में आके। एंड हेयर इज माई बिग ब्रदर धर्मराज वीर सिंह। शर्मा के भाग रहे हैं, दाल चाउर खा के कैसा फील हो रहा है। हमारे गाँव का सबसे शर्मीला लड़के हैं, काल मेहरिया ढूंढ रहे थे परसों। 4 साल के लड़के जैसा रोटी खा रहे हैं घुमा घुमा। तो अब ऋतिक भी सुकून से सो चुका है। हम लोग चलेंगे खेत साइड की, बिकॉज उधर पानी चल रहा खेतों में, तो देखेंगे कहाँ किधर कैसा जा रहा है, उधर ही पाइप वगैरह मोड़ेंगे फिर से लौट आएंगे घर साइड। हम लोग फाइनली निकल चुके हैं खेत की और पगडंडी गलियों से। देख सकते हो हालात इधर कुछ इस तरह से है। खेत में ना पानी तो पहले से चालू है, एक पाइप इस साइड से आ रही है और एक पाइप इस साइड से, जो कि दोनों साइड से पानी होके इधर ही जा रहा। तो चलेंगे देखेंगे किनारे साइड हो गया है कि नहीं। पानी जहाँ जहाँ पहुँचना था पूरा यहाँ किनारे किनारे का हो चुका है, और ज़्यादातर यहाँ से लेके आधा आधा बीच का भी हो गया है। लेकिन एक चीज़ गड़बड़ हो गई कि पानी वहाँ से एकदम सीधा आके यहाँ पर करके यहाँ से निकल कर पूरा दूसरों के खेत में चला जा रहा। तो हम लोगों को पानी वहाँ से घुमाना पड़ेगा इस साइड के लिए, ताकि इधर के गेहूँ में पानी पड़ सके और ये धार टूटे। और ये जगह है पापा लोगों को बैठने के लिए, क्योंकि पापा लोग आते रहते हैं, रात में भी यहाँ पर पानी लगता है पूरे खेतों में, और दिन में भी चलता है, दिन में मम्मी आ जाती हैं और रात में पापा जी। तो ये लकड़ियाँ रखी हुई हैं यहाँ पर आग लगाकर तापने के लिए, क्योंकि रात में थोड़ा ज़्यादा ही ठंड पड़ती है, तो इस खेत में रातों दिन पानी लगेगा। और भाई ऐसे ही नहीं हो जाती किसानी। तो आज हम लोग फटाफट से यहाँ निकलेंगे घर की ओर, क्योंकि अभी आया था एक डिलीवरी बॉय ने मेरे को अभी फ़ोन लगाया, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑनलाइन शॉपिंग किया था। तो देखेंगे अपना प्रोडक्ट आ गया तो खोल कर उसका भी अनबॉक्सिंग करेंगे और दिखाएंगे आपको उसमें क्या चीज़ मैंने मंगाया था। तो चलिए लेट्स गो भैया, मिलते हैं सीधा घर पे। घर में आए मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, और वेट करते करते ना मेरे सोचा कि फालतू में बैठने से अच्छा है कि नहा धो के पूरा एकदम फ्रेश हो सकते हैं। तो अपन पूरा फ्रेश हो गया, लेकिन अभी तक डिलीवरी बॉय आया नहीं, तो चलेंगे थोड़ा सा इंस्टाग्राम के लिए रील वगैरह बनाएंगे। तो अभी तो सनलाइट ज़्यादा है बिकॉज अभी दोपहर है, तो चलेंगे रूफ के ऊपर बनाने के थोड़ा ज़्यादा मजा आएगा। रूफ में चढ़ने के लिए ये है देसी जुगाड़, जो कि लकड़ियों से बनाई गई सीढ़ी है। तो गाइस हमारा प्रोडक्ट हमको मिल चुका है, जो कि यह है, चलिए इसका अनबॉक्स करके दिखाते हैं आपको इसमें क्या निकलता है। इसका ऊपरी हिस्सा हमने पहले से खोल रखा है, तो ऐसे निकालेंगे। एक्चुअल में हमारा ये रहा प्रोडक्ट, जो कि है पर्दा, और इस पर्दे को हमको लगाना है इस गेट पे। एंड गाइस फाइनली हमारा पर्दा एकदम फिट हो चुका है, जो कि 4x7 है। अब काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो चुका है, तो अब हम लोग लंच करेंगे, क्योंकि मेरे को भूख जबा के लगाया। लंच में है रोटी भाजी और चावल। तो हम फटाफट से पूरा लंच करके बाद मिलते हैं आपसे, क्योंकि इसके बाद हमको चलना है थोड़ा सा मंगली मार्केट, और आज के दिन है मंगल, तो हमारे गांव में लगेगा मंगली बाजार। मेला कर रहे हैं ना, चलो बाबा। तो गाइस मैं मम्मी के साथ फाइनली बाजार की ओर फिर से निकल पड़ा हूँ, और मम्मी अपने लिए लेंगी जूती। पहुँच चुके हैं बाजार, लेकिन यहाँ तो ज़्यादातर भीड़ हो रखा है। तो सब्जी वगैरह लेकर एंड ढेर सारा शॉपिंग करके हम लोग आ चुके हैं घर, और डिनर में है मूली की भाजी और चावल की रोटी,
और बाबा जी करेंगे अब डिनर। बाबा जी के बाद हम लोग भी करेंगे, इसके बाद सो जाएंगे, वीडियो को एडिटिंग करेंगे और बस हो गया। सो आई होप कि छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आएगा। सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लिए और हम आपसे मिलेंगे अगली नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।